हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया एरिया एंड पेरीमीटर। हम लोगों ने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कवर किया था एरिया एंड पेरीमीटर, राइट। उसमें हम लोग समझे थे कि क्षेत्रफल है क्या, परिमाप है क्या, राइट। उसको कैसे, उसको हम लोग ने डिटेल में समझा और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला एरिया एंड पेरीमीटर पे बेसिस, ट्रायंगल और इट्स रिलेटेड फार्मूला जितना था इम्पोर्टेंट फार्मूला, जितना था ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उससे रिलेटेड कैसे फार्मूला होता है एरिया और पेरीमीटर का, इसको हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का भी एरिया एंड पेरीमीटर देखा था, और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी हम लोगों ने उसमें कवर किया है। और साथ ही रेगुलर पॉलीगन और सर्कल वृत्त के बारे में भी हम लोगों ने उसमें फार्मूला को पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके उससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला को पहले ही कवर किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्या किस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग समझेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम लोग उसका फिगर ड्रॉ करेंगे कि किस तरह का फिगर होगा। 50 मीटर क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई कितना है, 25 मीटर। 25 मीटर चौड़ाई है, यह है लंबाई, कितना मीटर है, 50 मीटर, 25 मीटर। तो मेरा एक आयताकार फिगर मिलेगा, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्या पूछा है, क्षेत्रफल एरिया पूछा है, राइट। तो हम लोग एक आयताकार फील्ड का या फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया मतलब ये अंदर का भाग, सरफेस, राइट। तो कैसे निकालते थे आयत का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको हम क्या माना, लेंथ, ये है बी, तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वही फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई इक्वल टू 50 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार खेत की क्षेत्रफल, आयताकार खेत की क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, राइट। पुट कर देते हैं, 50 इंटू 25 कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसको डाट लिखिए, वर्ग मीटर इसका यूनिट, वर्ग स्क्वायर में आएगा इसका यूनिट, राइट। तो इस तरह अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया समझने के लिए जस्ट, कि क्वेश्चन किस तरह, धीरे धीरे उसके बाद लेवल अप करते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर एवं 3 मीटर है, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, राइट। इसको आप लोग 10 सेकेंड कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है।
क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे आयत, राइट। और आयत का क्या प्रॉपर्टी है, इसका चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। और क्या पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई दिया गया है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई कितना दिया गया है, 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर होगा। और चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर, राइट। अब हमको बोल रहा है कि विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, ये वाला जो है डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, राइट। तो इसकी लंबाई कितना होगा, इसको ज्ञात करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने जाना था विकर्ण कैसे निकालना है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज, और उससे क्या निकालेंगे हम लोग, विकर्ण निकालेंगे। तो हम लोगों ने विकर्ण अगर नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, राइट। तो ये मेरा क्या है, विकर्ण ए सी, राइट। और इसको हम क्या कंसिडर किए हैं, एक ट्रायंगल, राइट। तो होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी क्या होगा, इसका लेंथ होगा, तो ए सी स्क्वायर तो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 9, तो क्या होगा, अंडर रूट 25। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 मीटर। तो विकर्ण कितना आया मेरा, विकर्ण आया 5 मीटर, राइट। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका लंबाई होगा 5 मीटर। तो कितना आसानी से सॉल्व किए इसको हम लोग। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं और समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, क्या है, एक वर्ग है उसका परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना होगा, राइट। क्या बोला है, एक वर्ग का परिमाप, तो सबसे पहले वर्ग ड्रॉ करेंगे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होता है, समान होता है, राइट। एक वर्ग वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या है, परिमाप होता है क्या, 4 × भुजा, क्योंकि इसमें सब भुजा सेम होता है, राइट। और आपको यहां परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, परिमाप 100 मीटर, तो गिवन है परिमाप 100 मीटर है। तो हमको पूछा क्या क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, इसको ज्ञात करना है, वर्ग का विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना, मतलब एसी ज्ञात करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये तो समझ गए परिमाप, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, राइट। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, इसका भुजा निकालेंगे कि कितना है भुजा, पहले भुजा का कितना मीटर है, तो यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे, परिमाप कितना है 100 मीटर, और परिमाप का फॉर्मूला 4 × भुजा, तो यहां से भुजा निकल जाएगा, 100 / 4 = भुजा हो जाएगा, तो क्या होगा, 25 मीटर,
तो मेरा भुजा कितना है 25 मीटर और वर्ग की भुजा सब सेम रहता है 25 मीटर ही है राइट। अब हमको क्या पूछ रहा है, वर्ग के विकर्ण इसका लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोगों ने जब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस किया था उसी में हम लोग ने सीखा था कि विकर्ण कैसे निकलता है, वर्ग का रूट टू टाइम्स भुजा राइट। तो भुजा कितना है 25, तो रूट टू को 25 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 25 रूट टू, इतना मीटर इसका क्या है विकर्ण की लंबाई। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर तथा उनके बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा कितना होगा उसका क्षेत्रफल। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का फिगर ड्रॉ करेंगे, कैसा रहता है समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं राइट, इस तरह फिगर रहता है। उसके बाद क्या बोला, भुजाएं क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर समानांतर, 12 मीटर तथा 20 मीटर राइट, और उसके बीच की दूरी 8 मीटर है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर, इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं राइट। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू ये दोनों का सम 20 प्लस 12 इंटू ये एच, तो एच कितना दिया है 8 राइट। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 1/2 इंटू कितना होगा 32 इंटू 8 राइट, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं 4। अब इसको इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा, इतना वर्ग मीटर राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही क्लियर किया था सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल में राइट।